हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आप लोग के खिदमत एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाइबर के लास्ट 3 आवर एक्टिव स्टेटस के बारे में बताऊंगा। यानी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप लोग अपने वाइबर अकाउंट पे लास्ट 3 को कैसे आप कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप लोग इस पर एक्टिव स्टेटस को कैसे आप कर सकते हैं। यानी आप लोगों को कैसे आप इसको आप करेंगे कि आप लोग कब इस पे ऑनलाइन हुए थे और कब इस पे ऑनलाइन नहीं थे और इसके साथ साथ आप लोगों ने कब इसका मैसेज सीन किया था और कब मैसेज नहीं सीन किया था। तो टाइम कुछ जाए के बगैर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे कहते हैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं साइम स्टूडियो। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी वाइबर ऐप को ओपन करना है। वाइबर ऐप को ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे आप लोगों को मोर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग पे ही क्लिक कीजिए। सेटिंग पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है सेकंड नंबर पे। यानी आप लोग को यहाँ पे अकाउंट के नीचे प्राइवेसी का ऑप्शन में प्राइवेसी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप लोग को यहाँ पे शेयर ऑनलाइन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है और सेकंड नंबर पे आप लोग को मिलता है सेंड सीन स्टेटस आप लोग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शेयर ऑनलाइन स्टेटस यू कैन चेंज दिस सेटिंग वंस एवरी 24 आवर। यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोगों ने जैसे ही ये सेटिंग चेंज किया आप लोग इसको 24 आवर के बाद इसको चेंज नहीं कर सकते। यानी 24 आवर के अंदर आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, 24 आवर के बाद आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि शेयर ऑनलाइन स्टेटस, जैसे अगर आप लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस को ऑफ किया तो फिर आप लोगों को भी नहीं पता नहीं चलेगा कि आप लोग को कौन सा बंदा किस टाइम पे ऑनलाइन था और किस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था। तो आप लोगों ने अगर इसको ऑफ किया हुआ था तो फिर आप लोग दूसरों का भी नहीं देख सकते। सेंड सीन स्टेटस को भी आप लोग इसी तरह से यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों को आपको भी पता नहीं चलेगा आप लोग के मैसेज को किसने सीन किया हुआ किसने नहीं किया। तो आप लोग इसको इसी तरीके से आसानी के साथ यहाँ पे इसको टिक कीजिए और यहाँ पे सेकंड वर्ड को भी टिक कीजिए तो आप लोग का ऑनलाइन स्टेटस भी यहाँ पे आप हो चुका है और इसी के साथ साथ लास्ट सीन भी यहाँ पे आप हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग आसानी के साथ यहाँ पे सेटिंग में प्राइवेसी पे आके आप लोग इसको आसानी के साथ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे बता रहा है कि यू कैन चेंज दिस सेटिंग वंस एवरी 24 आवर। अब यहाँ पे आप लोग को जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि आप लोग इस सेटिंग को 24 आवर के अंदर ही यहाँ पे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे ही मैं दोबारा इसको ऑन करने की कोशिश करूँगा तो ये ऑन नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सके सीन स्टेटस को भी मैंने ऑफ किया हुआ है और इसी के साथ साथ ऑनलाइन स्टेटस को भी मैंने ऑफ किया हुआ है। अब मैं दोबारा जैसे इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते यहाँ पे आप लोग का एक नोटिफिकेशन मिलता है, दिस सेटिंग कैन बी चेंज वंस एवरी 24 आवर, वी विल नोटिफाई यू व्हेन यू कैन चेंज इट। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको 24 आवर इसके लिए वेट करना है, 24 आवर के बाद आप लोग इसको आसानी के साथ यहाँ पे दोबारा ऑनलाइन स्टेटस को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग आसानी के साथ यहाँ पे सेटिंग पे आके प्राइवेसी में अपने ऑनलाइन स्टेटस को भी आप कर सकते हैं और इसी के साथ साथ लास्ट सीन को भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने वाइबर के बारे में और वीडियोज़ को देखना है तो इसके लिए मैं बाकी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप लोग को इसका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और देखते रहे साइम स्टूडियो को।